ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੋਤਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ SHO ਸਿਟੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। बड़ी दुख भरी घटना है जिस तरह तुम्हारे माध्यम से मैं पता लगा जो आप मौके पर पहुंचे हैं तो देखे है पर जिन्हें भी ये काम किया है बड़ी शर्मनाक घटना जी किसी मंदिर की सफाई हुई है तो जी समग्री जी इतने डंप लिया के इन्होंने सुट्टी है इन्होंने चाहिए सी पूरे मर्यादा के ना जल प्रवाह कर देंगे तो एक बहुत बड़ी घटना जी बेअदबी के रूप में सामने आ रही है और पुलिस प्रशासन को मैं बेनती करूंगा कि जिन्हें भी इतने मंदिर है उन्होंने पुजारियों से सख्ती की जाए ताकि दोबारा इदा की शहर के कोई घटना ना घट सके और इस एक लिखती शिकायत जी है मैं SHO साहब देन जा रहा कि इतने पूरी इंक्वायरी करके जोड़ा भी दोषी पाया जाए उसे 295 ए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। घटना लापरवाही देंगे या बेअदबी की घटना देखो लाभ कोई भी बेअदबी है जो भी है एक तो जानबूझ के होंगी है एक लापरवाही हो सकती है हम ये नहीं समझ आ रहा कि बंदे की सोची समझी प्लानिंग सी या शहर फगवाड़े को दोबारा धार्मिक मुद्दे के तौर पर झुलसाना चाहता सीगा पिछे की सोच है इसका इन्वेस्टिगेशन तो बाद तो ही पता लगना है। इस घटना का कितना पता लगा मैं मीडिया भरावों के थ्रू पता लगा है कि हाँ इतने इदा की कोई घटना पहुंची जो मौके पर देखा तो आंदी फिर मैं सब तो पहला सबमिट के अपना जल प्रवाह करने की प्लानिंग करिए कार्रवाई कराओगे। हाँ बिल्कुल मैं लिखती शिकायत दवांगा और प्रशासन अगर बेनती करूंगा कि इतने इन्वेस्टिगेशन करन कैमरिया चेक करन जिहड़ा दोषी पाया जाता उसे बनती कानूनी कार्रवाई होवे ताकि दोबारा कोई मंदिर दे विच या कोई भी बंदा इहो जी घटना नूं अंजाम ना दे। SHO साहब आए की भरोसा दवाया तुहानूं SHO साहब आए उन्होंने कहा कि जे किसी संस्था वल्लों लिखती शिकायत आती है तो असीं उत्ते कार्रवाई करांगे। अपना नाम दस्सो सर। कमल सरोज सूबा प्रेस सकत्तर प्रशासन तो मांग करदा कि जिन्हें भी मंदिर है उन्होंने सख्ती भी पे और पुजारियों से उन्होंने सख्ती की जाए ताकि दोबारा इदा की कोई घटना ना घट सके। सारी समग्री जल प्रवाह मर्यादा राही भेज दी। हाँ जिस तरह देखा है कि प्रशासन भी नाल साडे इनवॉल्व होया ते बड़े मान सम्मान नाल SHO साहब ने पूरा सहयोग किया दरिया से लैके गए ने जल प्रवाह ले। अज जिस तरह की मीडिया राही सानू पता लगा कि इत्थे जिहड़ी समग्री है जिस तरह साडे हिंदू धर्म के विच मूर्तियां भी सीगियां थोड़ी चुन्नी वगैरह धूप वगैरह इदा दी फोटो भी सीगियां भगवान दियां ते उह इत्थे जिहड़ी आ उहदी बड़ी बेअदबी जिहड़ी कीती गई आ हले पर पता नहीं लगा भी किस तरह यह बेअदबी हुई आ पर जिस तरह की समगरी लगती सानू लगता भी शायद किसी मंदिर की सफाई हुई आ जिदा कि पता लग रहा तो असीं चाहते कि बड़ी ही जिहड़ी घटना बड़ी माड़ी घटना आ और जबकि धर्म के मुताबिक ये सारे ही सानू पानी के विसर्जन करने चाहिए आ और सारयां नूं ही चंगी तरह पता आ ते हुण पुलिस प्रशासन ने भी सानू पूरा जिहड़ा सहयोग दिता आ और उन्होंने गड्डी भेज के जिहड़ा सारा ही सतलुज दे विच तारन लई इन्हां नूं भेजिया गया समान ते असीं उन्हां दा भी बहुत धन्नवाद आ और शहर वासियों नूं भी असीं अपने संस्था सर्वशक्ति सेना और साडे नाल शिवसेना दे हैगे सरोज जी असीं इह बेनती ही करना चाहुंदे आ कि जिहड़ी भी इदां दी समगरी हैगी आ उहनूं पानी दे विच तुसीं विसर्जन करके आओ ताकि समाज जिहड़ा इदां दी जिहड़ी तुसीं मन दे घटना करदे हो उहदे विच अपसुड़ी जिहड़ी आ ना पई जा सके। जय श्री राम। हाँ जी सर तुसीं मौके ते आए देखिया भी इहदे विच जिहड़ा कूड़ा डंप हुशियारपुर रोड ते बणिया उत्थे कुछ धार्मिक चीज़ां भी उत्थे मिलियां वा की लग रिहा तुहानूं? इतने अभी आए हैं सू फोन आया इतने पिछले जो मंदिर से मत्था टेकया गया जो हार शिंगार काशी माता का जो भी सी पूजा समान वो इतने इतो इंज लगता भी किसी ने मंदिर वाले ने सफाई की जाना तो वैसे दरिया जल प्रवाह करते होंगे ने बट इतने लिया के किसी ने सारा कट्ठा डंप करता तो उस संबंधी हूँ असं इनू मर्यादा नाल उत्थे जल प्रवाह करांगे बाकी असं देखते हैं किने ये गलती की है जेकर ये खिलाफ जी बनती कानूनी कार्रवाई है जो लियानी भी अमल चाहिए जरूर लिया की लग रहा सर कोई हिंदू संगठन वाला तुहानूं कोई लिखित शिकायत भी आई है? हाँ हजे देखते हैं साढ़े को हजे तक तो नहीं जो हूँ आती है तो अस जरूर कार्रवाई करा की लग रहा सर किसी की शरारत वा जां मंदिर वाला कोई पंडित समान मंदिर किसी ने ना सफाई की है तो वह होना तो जल प्रवाह चाहिए बट इतने लिया के डंप करता उन्होंने बहुत वो गलती है बाकी असं देखते हैं किने किहड़े मंदिर वाले ने किदा की कार्रवाई की जाऊगी हजे साडे कोल जो दरखास्त आती है उस संबंधी जी बनती कानूनी कार्रवाई तो सारी समगरी हम कितने भेज रहे ये असं मान मर्यादा जल प्रवाह करा ठीक है।